ये है चैप्टर नंबर 3 बायोमैकेनिक्स का। चैप्टर नंबर 2 में बेसिकली हम स्टडी करते हैं काइनेमैटिक कॉन्सेप्ट, यानी कि हमारी जो मोशन है वो किस जो है वो प्लेन में हो रही है, यानी सजाइटल प्लेन में हो रही है, फ्रंटल प्लेन में हो रही है या क्रोनल प्लेन में हो रही है। हमारी मूवमेंट कौन से प्लेन में हो रही है, कौन कौन सी मूवमेंट है जो कौन कौन से प्लेन में हो रही है, ये सब हम जो है वो डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 2 का बायोमैकेनिक्स का, जो कि है काइनेमैटिक कॉन्सेप्ट फॉर एनालाइजिंग ह्यूमन मोशन। और ये जो हमारा चैप्टर 3 है ये है काइनेटिक कॉन्सेप्ट फॉर एनालाइजिंग ह्यूमन मोशन, यानी कि कौन कौन सी फोर्सेज हैं जो कि बॉडी के ऊपर एक्ट करती हैं। इसके अंदर हम बहुत सारी टर्म्स को स्टडी करेंगे। नंबर 1 है हमारे पास इनर्शिया। इनर्शिया बेसिकली रेजिस्टेंस होती है जो कि हमारी बॉडी के ऊपर लग रही होती है, हमारे जो मोशन है उसके ऊपर लग रही होती है कि वो हमारी स्टेट को चेंज नहीं होने देती। ये जो है वो रेजिस्टेंस टू एनी एक्शन होती है, यानी हमारी अगर जो है मूवमेंट है वो मोशन में है तो इनर्शिया जो है वो स्टॉप नहीं होने देगा हमें हमारी मोशन को, या हम अगर रेस्ट पे है तो इनर्शिया की वजह से हम रेस्ट पे रहेंगे और हम मोशन में नहीं आ सकेंगे। तो इनर्शिया जो है, अगर जितना मास होगा उतना ही हमारे पास इनर्शिया होता है, यानी कि कोई अगर हैवी मटेरियल है जैसे ट्रक तो उतना ही इनर्शिया लगेगा उसको रोकने में या चलाने में, यानी इनर्शिया हमारे पास ज़्यादा लगेगा। तो जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया प्रोड्यूस होगा, जितना कम मास होगा उतना ज़्यादा कम इनर्शिया प्रोड्यूस होगा। नंबर 2 है फोर्स। फोर्स इज़ अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी। इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसका जो है वो डायरेक्शन होता है, ये किसी बेसिकली एक पॉइंट पे लगती है। वेट, रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, ये तीनों फॉर्म्स हैं फोर्स की, मतलब इन सब के जो है वो फोर्स की तरह के यूनिट्स हैं, लेकिन ये डिफरेंट चीज़ों और रिस्पेक्ट से जो है इनके नेम चेंज हो गए हैं। एक टर्म हमने पढ़ी है फ्री बॉडी, इसका मतलब है कि कोई भी बॉडी जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो, जिसको हम देख रहे हो, जिसके ऊपर स्टडी कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं फ्री बॉडी। देन फोर्स का फार्मूला है, फोर्स का फार्मूला होता है F=ma, न्यूटन इसका यूनिट होता है। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट है नेट फोर्स का, यानी नेट फोर्स जो है वो एक ऐसी फोर्स होती है जो कि सम होती है बहुत सारी फोर्सेस का, यानी अगर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो उसके रिजल्टेंट जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही होगी उसको हम कहेंगे नेट फोर्स। अगर ये नेट फोर्स ज़ीरो है, यानी कि हमारी बॉडी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, हम ओरिजिनल स्टेट को कंटिन्यू करेंगे, यानी वो रेस्ट हो या मोशन हो कंटिन्यू रहेगी हमारी स्टेट। लेकिन अगर हमारे पास नेट फोर्स प्रेजेंट है तो फिर हमारी बॉडी में जो है वो चेंज आएगा, हमारी बॉडी मूव करेगी इन डायरेक्शन टू द नेट फोर्स, यानी नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव करेगी विद एक्सेलरेशन दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, यानी जितना मैग्नीट्यूड होगा नेट फोर्स का उतनी ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट इज़ द पॉइंट अराउंड विच बॉडीज वेट इज़ इक्वली बैलेंस्ड। ये हमारी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर हमारा सारा बॉडी वेट जो है वो बैलेंस हो जाता है, चाहे जितनी मर्जी फोर्सेज एक्ट हो रही हों, जिस पोजिशन में भी हम हों तो हमारा जो बॉडी वेट है वो सारा बैलेंस हो जाता है। जब हम इरेक्ट पोजीशन में होते हैं, स्टैंडिंग स्ट्रेट होते हैं, तो फिर सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा होता है। फिर उसके बाद है वेट। वेट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड ऑन अ बॉडी, यानी हमारी बॉडी पे कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, यानी अर्थ हमें कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, उसे कहते हैं वेट। वेट जो है वो फिक्स नहीं होता, जबकि मास जो है वो फिक्स होता है, यानी अर्थ पे हमारा वेट डिफरेंट है और अगर हम मून पे चले जाएं तो हमारा वेट डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी अर्थ पे डिफरेंट और मून पे डिफरेंट है। वेट जो है वो डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, लेकिन मास ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, ये फिक्स रहता है बेशक हम अर्थ पे हों या जो है वो मून में हों। जैसे कि वेट भी फोर्स की एक टाइप है, तो इसका भी एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन होती है। जितना हमारा बॉडी का मास ज़्यादा होगा उतना ही हमारा वेट होगा। अब है हमारे पास टर्म प्रेशर की। प्रेशर इज़ अ फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया, यानी जो हमारा प्रेशर है वो लग रहा होता है, एक प्रेशर जो है वो फोर्स है जो कि पर यूनिट एरिया पे लग रही होती है। विद रेफरेंस टू द एरिया हम इसको देखते हैं कि हमारी फोर्स कितने एरिया पे लग रही है। इसका यूनिट है पास्कल या न्यूटन मीटर -2। एक बुक में कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अगर हमारे पास दो तरह की हील्स हैं, एक स्पाइक हील है और एक ब्लॉक हील है, तो क्योंकि स्पाइक हील का एरिया जो है वो क्या होता है, कम होता है, इसलिए उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि एरिया जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से, तो जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा होगा। तो क्योंकि स्पाइक की हील का एरिया कम होता है इसलिए प्रेशर ज़्यादा लग रहा होगा, जबकि ब्लॉक हील का जो है वो प्रेशर जो है वो कम लग रहा होगा क्योंकि एरिया उसका ज़्यादा होता है।
उसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय बॉडी, यानी हमारी एक बॉडी ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड की हुई है, कितनी जगह ली हुई है, उसे कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम थ्री डायमेंशनल होता है, हाइट, विड्थ और डेप्थ तीनों चीज़ों को मिला के होते हैं, तो इसका यूनिट है m3। एक एग्जांपल दी गई है बुक में, मेटल बॉल है हमारे पास और टेबल टेनिस बॉल है, दोनों देखें स्पेस जो है वो ये कम ले रही है टेनिस बॉल, जबकि जो मेटल बॉल है वो स्पेस ज़्यादा ले रही है, तो मेटल बॉल का वॉल्यूम ज़्यादा होगा और टेबल टेनिस का वॉल्यूम कम होगा। उसके बाद है डेंसिटी। डेंसिटी इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कितना मास जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम में है, प्रेजेंट है। एक ये टर्म है और एक ये टर्म है स्पेसिफिक वेट, दोनों तकरीबन सेम लग रही हैं, वॉल्यूम नीचे डिवाइड हो रहा है लेकिन ऊपर मास लिखा हुआ है, जबकि इसके ऊपर जो है वो वेट आते हैं, तो ये टर्म जो है वो डिफरेंट हो जाती है। बुक में एग्जांपल्स हैं इसके बारे में। हमारे पास दो किस्म की बॉल हैं, पिंग पोंग बॉल है और एक गोल्फ बॉल है, तो दोनों का जो है वो हमारे पास वॉल्यूम सेम है, पिंग पोंग बॉल का भी और गोल्फ बॉल का भी, लेकिन हमारी डेंसिटी उस बॉल की ज़्यादा होगी जिसका मास ज़्यादा होगा, क्योंकि गोल्फ बॉल की जो है वो मास ज़्यादा है इसलिए इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है, जबकि जो पिंग पोंग बॉल है उसका मास कम है तो इसकी डेंसिटी भी कम होगी, क्योंकि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। उसके बाद एक और एग्जांपल दी गई है बुक में, एक लीन पर्सन को हमने लिया और दूसरा जो हमने ओबेस पर्सन को लिया है, दोनों के अंदर जो है वो दोनों जो है वो सेम वॉल्यूम कंज्यूम करेंगे, लेकिन डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी, उस पर्सन की डेंसिटी ज़्यादा होगी जिसके अंदर मसल ज़्यादा होगा बनिस्बत फैट के, क्योंकि मसल ज़्यादा डेंसिटी रखता है फैट से, तो लीन पर्सन के अंदर मसल ज़्यादा होगा तो इसलिए ये डेंसर होगा, जबकि ओबेस के अंदर फैट ज़्यादा होगा बनिस्बत मसल के तो ये लेस डेंस होगा। उसके बाद द टॉर्क इज़ द रोटेटरी इफेक्ट क्रिएटेड बाय द एसेंट्रिक फोर्स। अब ये देख लेते हैं एसेंट्रिक फोर्स क्या होती है। दो तरह की हमारे पास फोर्स होती है, एक होती है सेंट्रिक फोर्स और एक होती है एसेंट्रिक फोर्स। सेंट्रिक फोर्स जो है वो हमारी बॉडी के सेंटर के ऊपर लग रही होती है, जबकि ईसेंट्रिक फोर्स जो है वो सेंटर के अलावा पूरी बॉडी पे कहीं भी लग सकती है, तो ऐसी फोर्स जो कि बॉडी पे कहीं भी लग रही हो एसेंट्रिक फोर्स, वो जब अप्लाई होगी किसी बॉडी पे तो रोटेटरी इफेक्ट होगा, वो बॉडी रोटेट करेगी, तो उसको हम कहेंगे टॉर्क। टॉर्क का फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू एफ डी, ये जो है डी जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन के वो किस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, एंड द लाइन ऑफ एक्शन के एक्सिस का और जहाँ पे रोटेशन हो रही है उसके दरमियान कितना डिस्टेंस है, तो जितना टॉर्क ज़्यादा होगा उतना ही रोटेशन ज़्यादा होगी, इसका यूनिट है न्यूटन मीटर। उसके बाद है इम्पल्स। इम्पल्स इज़ द फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी फॉर अ ड्यूरेशन, यानी ये ऐसी फोर्स होती है जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम देखते हैं। इसमें दो कंडीशंस होती हैं, दोनों में इम्पल्स जो है वो ज़्यादा होगा, एक में हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, यानी फोर्स ज़्यादा लग रही है लेकिन कम टाइम के लिए लग रही है। यही ऐसी इंजरीज होती हैं कि एक अचानक फोर्स लगी हो लेकिन कम टाइम के लिए लगी हो तो ज़्यादा इंजरी कॉज करती है, और इसी तरह दूसरी तरह की इंजरीज होती हैं कि जिसमें ज़्यादा फोर्स नहीं लग रही होती, फोर्स कम लग रही होती है लेकिन ड्यूरेशन उसका जो है वो ज़्यादा होता है। दोनों ही जो है वो इम्पल्स प्रोड्यूस करेंगे, दोनों ही इंजरी या चेंज कॉज करेंगे, बस फ़र्क ये है कि एक में फ़ोर्स ज़्यादा है टाइम कम है और दूसरे में टाइम ज़्यादा है फोर्स कम है। उसके बाद हम मैकेनिकल लोड्स को स्टडी करेंगे। डिफरेंट किस्म के जो है वो लोड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।